मेरे चैनल एजुकेशन टॉक्स विद अब्बास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली अमली व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टिकोमेट्री है। आपको पता है कि हमने जो है एक क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक की चैप्टर नंबर 1 की हमने इसकी डीपली स्टडी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने इस पूरी चैप्टर के जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप देख सकते हैं वहाँ जाके हर क्वेश्चंस को, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100% कामयाबी और 90+ मार्क्स कहते हैं तो ये वीडियोज़ को ज़रूर देखें और आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है मेरी मिलती रहें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टोइकोमेट्री, हमने पीछे पढ़ चुके हैं। स्टोइकोमेट्री क्या होती है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्वांटिटी रिलेशनशिप अगर देखें रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स का, उसे हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियोज को जरूर वॉच कर लीजिए। तो न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टोइकोमेट्री अब देखते हैं इसके बारे में, न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर में जो है एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है इस चैप्टर में से, तो आप इन न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल करवा दिए जाएंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारे पास जो है, अब ध्यान से पहले आपने कोई भी आपका क्वेश्चन आए तो आपने जो है पहले इसकी जो है आपने अबारत जो है इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन को कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4, हमने इसके मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स K2SO4 का, एंड वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है रिएक्शन के थ्रू, और व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH जब रिएक्ट करता है एक्सेस H2SO4 के साथ, ये मैं कंडीशन बताई हुई है। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। सबसे पहले हमें इधर दिया हुआ है मास ऑफ KOH दिया हुआ है 14 ग्राम, ठीक है, और मोलर जो हमारे पास डेटा है, अगर उस मैस हो तो आप जाहिर बात है अगला स्टेप आपका मोलर मैस का होता है, तो आप मोलर मैस निकाल लें KOH का, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, आगे 56 ग्राम पर मोल आ गया है। सो अब जो आपने क्या फाइंड करना है इसमें, आप डेटा जरूर लिखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 मालूम करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2O मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आपने फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि जो मास ऑफ KOH हमने कन्वर्ट करना होता है मोल्स में, सो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप जो है वो ये है, देन कंपेयर दीज मोल विद K2SO4 से हमें कंपेयर करना होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, जो पहला स्टेप था आपका। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH आपको दिए हुए हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू मास, आपको मोलर मास दिया हुआ है, तो हमने इसके नंबर ऑफ KOH 0.25 निकाल लिए। अब आप केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है आपको जो क्वेश्चन, कि हमारा K2SO4 जो प्रोड्यूस हो रहा है कैसे प्रोड्यूस होगा जब हम जो है इसको H2SO4 को रिएक्ट करेंगे KOH के साथ, ठीक है। अब हमारे पास 2KOH प्लस H2SO4 है तो कन्वर्ट हो गया K2SO4 में और प्लस 2H2O में, तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर ली है। तो अब जो अगला स्टेप हमारे पास होता है, हम इसके मोल्स को कंपेयर करते हैं। अब पोटेशियम हमारे पास KOH है, पहले हम इसके मोल्स को कंपेयर करते हैं इसके साथ K2SO4 के साथ। हमने देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें स्टोइकोमेट्री बता रही है कि 2 हमारे पास KOH है तो K2SO4 के 1, हमने इसको हमें कितने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं KOH के जो फाइंड किए हैं 0.25, अगर 0.25 KOH होंगे तो 0.125 हमारे पास जो है K2SO4 होगा। इससे हमें क्या पता चला कि 0.125 मोल्स ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस होंगे 0.25 मोल्स ऑफ KOH से। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 कितने हो गए, ज़ाहिर बात है 0.125 हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो मास फाइंड कर सकते हैं, तो मोलर मास हमारे पास निकला है यहाँ पे 174 ग्राम पर मोल। हमने फार्मूला अप्लाई किया, मास ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया K2SO4 का 0.125 मोल्स मल्टीप्लाई 174 ग्राम पर मोल, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21.75 हमारे ग्राम हमारे पास मास आ गया।
तो हमने क्या मालूम करना था, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ K2SO4 हमने फाइंड कर लिए हैं, अब नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ H2O की तरफ आते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर हमारे पास 2KOH होंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2KOH हमारे पास अगर होंगे तो हमारे पास वाटर भी 2 प्रोड्यूस होगा। हमने यहाँ से लिख लिया इसको हमने रेशो में, तो मतलब हमारे पास अगर 0.25 KOH होंगे तो 0.25 होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने यह किया, मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, हमने मास निकालना हो तो मोलर मास को मल्टीप्लाई करवा देते हैं मोल से। हमारे पास, हमें पता है कि मोलर मास 18 है, तो हमने मास यहाँ से निकाल लिया 4.5 ग्राम्स। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमने इसमें एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछली वीडियोस देख लीजिए। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो हमारे पास ये आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमने इसमें जो हमारे पास चीज़ें फाइंड करनी थी हमने इसमें कर चुके हैं, तो हमारा ये पहला जो न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट था पहला न्यूमेरिकल, अब दूसरा भी देख लीजिए। दूसरे न्यूमेरिकल में ये है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और हमें दे रहा है H2 गैस। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन का, क्या वॉल्यूम हो सकता है कि वो प्रोड्यूस करे 12.1 ग्राम ऑफ H2। द डेंसिटी ऑफ HCl हमें दे दी है उसने 1.14 ग्राम, और हमें रिएक्शन भी बता दिया है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है और बना रही है MgCl2+H2। अब हमें डाटा पहले लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मास ऑफ H2 प्रोड्यूस हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 12.1 ग्राम, डेंसिटी भी दी हुई है HCl सॉल्यूशन की 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और परसेंटेज ऑफ HCl बाय मास हमें दिया हुआ है 27, हमें मास भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मास, हम H2 जो दिया हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इसमें हम मोल्स में। तो फिर हम कंपेयर करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, तो ये वही स्टेप आप देखेंगे। अगर आपने हाथ से ये जो रजिस्टर पे जरूर सॉल्व करें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे आसानी से। अब वैसे हमने इक्वेशन लगाई वही, अब यहाँ पे देखें इक्वेशन हमें क्या बताती है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl कंपेयर द मोल्स ऑफ H2 दोज HCl। अब H2O से हमने, क्योंकि हमें H2 की इन्फॉर्मेशन पता है, हमें H2 अगर 1 यूज हो रहा है तो HCl कितना हो रहा है, 2। तो हमारे पास ये, हमने देखा कि मोल 6 से हमने दोनों साइडों पर 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास 12 HCl हमारे पास इसके मोल्स आ गए हैं थ्रू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये स्टोइकोमेट्री ही है। इट मींस दैट 12 मोल ऑफ HCl आर कंज्यूम टू प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ H2। हमने मास यहाँ से निकाल लिया आसानी से, यहाँ से 438 ग्राम। वी नो दैट HCl सोल्यूशन इज 27% बाई मास, तो मीन टू से अगर 27 हमारे पास HCl प्रेजेंट है HCl सोल्यूशन में, 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा हमारे पास, 100 डिवाइड बाई 27। तो क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 438 है, तो उसे 430 से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास 1622.2 ग्राम हमारे पास जिसके मास आ गया HCl का। तो डेंसिटी ऑफ हमें HCl सॉल्यूशन बताई हुई है, तो जो हम पीछे आप रिमाइंड करें क्लासेस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम HCl का निकालना है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, मास ओवर डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा निकला है यहाँ से, हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास 1422.8 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो ये दो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये चांस है कि यही है बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसे ज़रूर अपने हाथ से ज़रूर लिख के देखें। और अब मेरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं जो आपके लिए पूरे चैप्टर की इसके लिए वीडियोज़ बनाऊँ और जो है आप 100% कामयाबी हासिल कर सकें और अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएँ। तो आपने आज सीखा न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टोइकोमेट्री। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।